झारखंड के जिला पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर नगर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ बस स्टैंड हनुमान मंदिर में कूपन पत्रक रसीद की पूजा अर्चना और नारियल फोड़कर हुआ। अभियान के शुभारंभ में पूर्व वार्ड पार्षद लीला प्रसाद ने 1000 समर्पण राशि देकर पहला कूपन कटाया। श्रीमती लीला प्रसाद ने कहा कि भगवान राम के मंदिर के लिए सभी को बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महाअभियान में मेरा कुछ भी सहयोग लगे यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। निधि संग्रह अभियान के दौरान सर्वप्रथम वार्ड नंबर 3 में जाकर लोगों के घर घर से सहयोग राशि लेकर सभी को पत्रक दिया गया। अभियान 27 जनवरी तक चक्रधरपुर के सभी वार्ड में चलेगा। जो भी राम भक्त अपना सहयोग देना चाहते हैं कूपन के ऑनलाइन माध्यम से भी राशि सहयोग कर सकते हैं। मौके पर जिला अभियान प्रमुख गोनू जायसवाल, जिला टोली सदस्य कुंज बिहारी मिश्रा, नगर अभियान प्रमुख विशाल बर्मन, दीपक सिंह, छोटू ठाकुर, अंतिरकर, मुकेश मोदक, रोहित सिंह, किशन पासवान, रुपेश पंडित आदि लोग उपस्थित रहे। राम जन्म भूमि में राम के भव्य मंदिर बनाने हेतु घर घर जाकर धन संग्रह जो मंदिर निर्माण के लिए किया जाने का जो कार्यक्रम हम लोग कल से चला रहे हैं। चक्रधरपुर वार्ड में प्रत्येक वार्ड के 5-5 वार्ड को बांटा गया है। इसमें 23 वार्ड में हम लोग अपने सभी घर जाकर डोर टू डोर इसका कलेक्शन करेंगे राम मंदिर के लिए, क्योंकि इस तरह राम भगवान जी ने ये रावण पर जितने रावण को हराने के लिए सभी का सहयोग लिया था, उसी प्रकार उनका ये जो आदेश वो संदेश था सभी को लेकर चलना है। इसीलिए हम लोग सभी के घर घर जाकर धन के संग्रह करके वहाँ पर हम लोग पहुँचाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं दीपक सिंह, संग्रहकर्ता राम मंदिर। पूरे भारतवर्ष में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए कल से निधि समर्पण अभियान की प्रारंभ हो चुकी है। उसी निमित्त अपने चाईबासा जिला में कल 7 प्रखंडों में प्रारंभ हुई। आज चक्रधरपुर नगर के बस स्टैंड हनुमान मंदिर में हम सभी राम भक्त इकट्ठा हुए और अपने कूपन पत्रक का यहाँ पूजन करके भगवान को के सामने, और अब पूरे चक्रधरपुर नगर के 23 वार्डों में अपने कार्यकर्ता जाएंगे और हर घर से कूपन के माध्यम से सहयोग लेंगे। कूपन 10 रुपया का है, 100 रुपया का है और 1000 रुपया का है। उसके ऊपर जो राशि देने वाले हैं 2000 रुपये से ऊपर वाले, उनके लिए एक सादी रसीद है। रसीद और कूपन के माध्यम से ही अपने कार्यकर्ता राम मंदिर के लिए सहयोग लेंगे, और नहीं तो फिर बहुत से लोग फिर डायरेक्ट ऑनलाइन भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेज सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और पूरे चक्रधरपुर नगर के हर घर तक अपने राम भक्त टोली, संग्रह टोली जाएगी, ऐसी अपनी योजना है। और कोई भी घर चक्रधरपुर नगर का ना छूटे, ऐसे हम सब इसके लिए एकदम दृढ़ संकल्प है। और भव्य राम मंदिर निर्माण हो, इसमें अपने चक्रधरपुर के हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सहयोग लगे, इसी कामना के साथ हम सभी कार्यकर्ता बंधु इस कार्यक्रम में पूरे लग गए हैं। और राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के एक राष्ट्र का गौरव है। ये राष्ट्र मंदिर है, ये सिर्फ राम मंदिर नहीं, आने वाले वर्षों में पूरे विश्व का अध्यात्म का केंद्र भव्य अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बनते बनते में प्रतिदिन वहाँ लोग की उपस्थिति 15 से 20 लाख रहेगी। राम मंदिर पूरे देश का एक गौरव है। जय श्री राम। क्या नाम है? गोनू जायसवाल, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद सह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण इस अभियान के पूरे चाईबासा जिला का जिला अभियान प्रमुख। अखंड भारत न्यूज के लिए हरि नारायण शर्मा की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।